बिहार में बेखौफ अपराधियों के सामने नीतीश कुमार के सुशासन ने हाथ जोड़कर सरेंडर कर दिया है। हालात अब ऐसे दिखते हैं कि नीतीश सरकार अपराधियों के सामने बेबस दिख रही है। हद तो तब हो गई जब उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने अपराधियों से याचना शुरू कर दी। पिछले दिनों मुजफ्फरपुर के पूर्व मेयर समीर कुमार की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी अपराधियों से गिड़गिड़ाते दिखे। सुशील मोदी ने कहा कि पितृपक्ष में कम से कम ये काम ना करें। सुशील मोदी के इस बयान के बाद खुद नीतीश कुमार के सुशासन पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। कहा जा रहा है कि सुशासन का दावा करने वाली सरकार अपराधियों पर कार्रवाई करने की बजाय याचना कर रही है। अब सवाल ये है कि क्या जनता ने अपराधियों के सामने हाथ जोड़ने के लिए सरकार को चुना है? जिस तरह बिहार के उप मुख्यमंत्री अपराधियों के सामने याचना करते दिख रहे हैं, उससे तो सरकार की छवि पर असर जरूर पड़ेगा। सुशील मोदी ने कहा, मैं अपराधियों से भी हाथ जोड़कर आग्रह करूंगा कि कम से कम पितृपक्ष में यह काम छोड़ दीजिए। बाकी दिन तो आप कुछ ना कुछ करते रहते हैं और पुलिस वाले लगे रहते हैं, लेकिन कम से कम ये 15-16 दिन जो धार्मिक उत्सव के हैं, इस दौरान ऐसा कोई काम ना करें कि बिहार और गया जी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे। हालांकि इस दौरान मोदी ने यह भी कहा कि अगर आप अपराध करेंगे तो यहां सभी जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और आप बचकर निकल नहीं पाएंगे। सुशील मोदी के इस बयान के बाद विपक्ष ने सरकार को निशाने पर ले लिया। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसको लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने कहा कि खुलासा और दिलासा मास्टर की कुख्यात जोड़ी डर के मारे कुछ दिनों में अपराधियों के पैर भी पकड़े तो हैरान नहीं होना चाहिए। तेजस्वी यादव ने सुशील मोदी के बयान को रीट्वीट करते हुए सवाल उठाए। उन्होंने लिखा कि बिहार पुलिस से ज्यादा AK-47 अपराधियों के पास हैं। अब जब लोकसभा चुनाव करीब हैं, तब लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से सुशासन सवालों के घेरे में है और इसका खामियाजा चुनाव में नीतीश को उठाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रेड नेटवर्क। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है, YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।